कंपनी का नाम क्या है? एम्बिटेक मेरे कंपनी का नाम। अच्छा, तो आप क्या है कंपनी के? सीईओ। वाओ यार, तुम इतने छोटे सीईओ बन गए हो। जब आप बच्चों को इस तरह से एक एनवायरनमेंट में लेके चलते हैं तो आस्ते आस्ते बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पहले 6 माह में हम उनको इस काबिल कर देंगे कि वो खुद ब खुद अपना एक साइड पे बिजनेस भी शुरू कर देंगे और इस काबिल हो सफिशिएंट जो है ना, अच्छा इनकम भी जनरेट करेंगे और साथ साथ फिजिकली फिट होकर इस मुल्क के लिए भी अपना डॉलर जनरेट करेंगे। आपका बच्चा 25-30 साल का होता है, नाम उसका कोई नहीं है, कंपनी उसकी कोई नहीं है, सीईओ की बजाय जॉब कर होता है, नौकर बना होता है टाई लगा के। ये आज का बच्चा आपके घर से सुबह 4-4:15 बजे नहीं उठ सकता, और ये अगर बच्चे सुबह उठ के अगर अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू कर सकते तो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में किसने लेके चलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खवातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बच्चे के 10 साल आपके और 4 साल हमारे, 14 साल का बच्चा जो है वो मैट्रिक की डिग्री के साथ हिफ्ज करके आपको मुकम्मल एक स्टेबल नौजवान मिलेगा। ये हमारा पाव बड़ा एक प्लान है जो जिसके पीछे कई सालों से जो है वो मेहनत होती रही। बहुत सारी कौमें माँ के पेट से बच्चे की ट्रेनिंग और तरबियत शुरू कर देते हैं। वो जिस दिन वो बच्चा शुरू होता है उस दिन से बच्चे की एज शुरू हो जाती है। हमारा बच्चा 20 साल 25 साल 30 साल का हो जाता है और माँ का वो बच्चा ही रहता है, और वो जो है उसके बाद उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी वो बच्चा ही रहता है। एनी हाउ, बहुत बड़ा प्लान है हमारा कि बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है। मुझे बहुत सारे लोग कहते रहे कि ये जितनी आज तक की आपकी आइडियोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से हम अपने बच्चों से लेकर शुरू हो। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लान है जो हमने जो है लाहौर में बैरिया टाउन में शुरू कर दिया है। ये वो बच्चे हैं जो कम अज़ कम तो हिफ्ज भी करेंगे, मैट्रिक भी करेंगे, और मैट्रिक की आपको जो है सनद और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हमारा पूरा प्लान है कि 9 से 10 साल का जो बच्चा है वो अगर आपके पास रहा है जिस भी स्कूल में या जो भी एक्टिविटी में रहा है, अब उसको 4 साल जो है हमारे दे और देखें क्या बनता है। जोल्टियन यूनिवर्सिटी जो है, यानी ऐसे टीन एज बच्चों की यूनिवर्सिटी जो कुछ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी सैटेलाइट बना के स्पेस में भेजेंगे, ये वो एक्टिविटी है। और देखेंगे आपके जो BLDC मोटर आपने देखी अभी तक, वो सारी की सारी अब हम अपने आगे जो यंग टीन एज के बच्चे सुपरस्टार बनने जा रहे हैं उनको लेके चल रहे हैं। आप देखें कि क्रिकेट के लिए हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जब खेली और उसे हमने बड़े बड़े हीरो पैदा किए। आज हमने प्लान कर दिया, बेस रख दिया है। हमारे वो बच्चे जिस तरह से गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, हर इलाके में कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू में हमने लाहौर से बैरिया टाउन से शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पे बल्कि एक क्लास भी चल रही है। नईम साहब क्या हाल है आपके? नईम साहब बहुत एफर्ट कर रहे हैं जी, खासकर जो है वाल साहब। नईम साहब क्या हाल है? नईम साहब, ये बच्चों का सबसे पहले तो आप जरा शेड्यूल बताएं सुबह से, ताकि लोगों को पता चले कि वो बच्चे जो नॉर्मली घरों में सोए रहते हैं और आज की दुनिया में सारी सारी रात जो है वो जाग के सारा दिन जो है वो सो सो के इन्होंने गुजारना होता है और आईफोन और मोबाइल और आईपैड की दुनिया में गुम है, तो ये क्या क्या एक्टिविटी सबसे पहले बताएं शुरू में कैसे शुरू करते होते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं। अच्छा, फ्रेश होते हैं, फिर ये फजर फजर नमाज जमात के साथ आगे पढ़ते हैं। वेरी गुड। उसके बाद ये चले जाते हैं सीधा जॉगिंग करने। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इनकी फिजिकल एक्टिविटीज जो भी है इनकी फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, ये वहाँ 6:30-7 बजे आते हैं। आते ही शावर लेते हैं, शावर लेके साथ इनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, साथ ही ये शुरू कर देते हैं अपने इनोवेशन के ऊपर। अच्छा, तो अभी क्या एक्टिविटी चल रही है इसमें? ये हमारे जो है स्टार जो है। अच्छा जी, ये एक और भी बड़ी अहम चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ। इन बच्चों की जो है कंपनी शुरू हो जाती है जब आप जो काम करना चाहते हैं बीज की तरह उसको जो है लगा दें, उसका नाम बोलते रहें। ये इस वक्त अपनी अपनी कंपनी को फॉर्मेट कर चुके हैं और CEO बन चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आपका क्या नाम है और क्या खबरें चल रही हैं? असल नाम मेरा, अच्छा एम्बिटेक है। कंपनी का नाम क्या है? एम्बिटेक मेरे कंपनी का नाम। अच्छा, तो आप क्या है कंपनी के? CEO। वाओ यार, तुम इतने छोटे CEO बन गए हो। अच्छा, तो क्या बना रहे हैं भाई? ये एक लिथियम सेल है। अच्छा, दो वायरलेस होल्डिंग के साथ लगाई है, फिर हमने BMS को लगा दिया ये। अच्छा, BMS इतना छोटा लगा दिया, वेरी गुड जी। तो फिर ये वैसे लोड पे लगाया लैंडर वायर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आगे जो है लाइट लगाई है, तो ये यहाँ पे बटन लगा देंगे जी। अच्छा, तो इसकी चार्जिंग कहाँ से होती है? चार्जिंग इधर से इधर केबल लगा दें बस। अच्छा, कौन सी चार्जर वाली? जी, टाइप सी। देखें जी, जो बुनियादी तौर पर दुनिया का सिंपल तरीन जो है पावर बैंक और पावर स्टेशन, या आप कह लें कि बैटरी या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये असलम ने बना लिया है। और असलम कंपनी क्या बताई आपने? एमीटेक के CEO जो असलम है वो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने BMS के साथ सिंगल लिथियम सेल के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त जो है प्रोडक्ट बना लिया है, जिसका जो है ये लोड भी ड्राइव कर रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि इन्हीं को हम जो सारी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, यही सेल जो है बढ़ता जाएगा, यही BMS बढ़ता जाएगा, यही लोड बढ़ता जाएगा, और यही बेसिकली आपकी बहुत बड़ी पावरफुल बैटरी जो है वो बन जाती है। हाँ भाई, क्या हाल है आपके?
हाँ जी, क्या बना रहे हैं, क्या नाम है आपका, क्या कंपनी है आपकी, कौन सी कंपनी? मेरी कंपनी का नाम एरीटेक है। और अच्छा, एरीटेक, अच्छा जी, क्या बनाया जनाब आपने? जी BLDC मोटर और इसका कंट्रोलर, मैं ऐसे टेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, चलाएं जरा। वाओ, ओए होए होए होए। तो देखें जी, ये जो BLDC मोटर है, जो हमारी मुख्तलिफ आपने हमारे जो है टेक्नोलॉजी के जो बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स उसमें भी देखा होगा, ई बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसी का यही कंट्रोलर, यही मोटर, यही थ्रॉटल जो है होती है। और उसके आप देखें, उसका जो डाउन वर्जन है, बिल्कुल ये जो छोटी चीज़ है इसके साथ ड्रोन बना सकते हैं। इसी तरह बेशुमार चीज़ें जो है, छोटी छोटी कार बच्चों की जो है रिमोट के साथ वो बना सकते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है। तो ये जो अब्दुलरहमान है, इसकी भी अपनी एक कंपनी है और ये कंपनी के CEO बन चुके हैं। जब आप बच्चों को इस तरह से एक एनवायरमेंट में लेके चलते हैं, तो आस्ता आस्ता बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपका बच्चा 25-30 साल का होता है, नाम उसका कोई नहीं है, कंपनी उसकी कोई नहीं है, CEO की बजाय जॉब कर रहा होता है, नौकर बना होता है टाई लगा के। ये वो बच्चे हैं जो जिनका अजम ये है कि इन्होंने जॉब क्रिएट करनी है। तो नईम साहब, बड़ी जबरदस्त एफर्ट आपकी चल रही है जी। हाँ जी, बताएं जी, माशाल्लाह, ये क्या कर रहे हैं जी? मेरा नाम हरून है और मेरी कंपनी का नाम हेरीटेक है। अच्छा, वेरी गुड, हेरीटेक आ गया जी, माशाल्लाह। क्या है जी हेरीटेक? जी ये जो है हार्ड डिस्क की मोटर निकाली है मैंने। अच्छा, हार्ड डिस्क के ऊपर प्लेट्स के इसको काट के हमने खबना है। अच्छा, ये क्या है? ये उसका जो कलर रेट है, ये जो आप देख रहे हैं जी, हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर भी BLDC लगी होती है, जो तोड़ के स्क्रैप कर देते हो। तो हरून ने बुनियादी तौर पर इसके ऊपर प्लान ये किया है कि जो हम हार्ड डिस्क की मोटर और उसकी ये सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, एल्युमिनियम का ये जो ऊपर प्लेट है जहाँ पे डाटा रीड राइट हो रहा होता है, इसके साथ जो है आप देखें एक जो आगे प्रोपाइलर है, पंखा फैन वगैरह ये बना सकते हैं, और उसी की मोटर जो है चला के देखें तो उसी की मोटर को यूज़ किया गया है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त जो है अभी आप देख रहे हैं, एक हाई RPM बेस, हालांकि ये हाथ से पकड़ी है, नेक्स्ट जो है जब माउंट होगी तो आपको समझ आएगी कि ये प्रोडक्ट जो है क्लोज होने जा रही है और ये सारी की सारी जो है प्रोडक्ट जो है वो क्या है। तो ज़बरदस्त यार हेरीटेक भाई, ज़बरदस्त कमाल काम कर रहे हैं, और इसी को आगे जो है बड़े बड़े फैन में, इंडस्ट्रियल फैन में भी मूव कर दिया जाएगा। हाँ भाई, आप बताएं क्या हाल है आपके? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुल्ला, मेरी कंपनी का नाम कोडीटेक है। अच्छा, ये मैंने टीम लिथियम बैटरी सेल से 12 वोल्ट की लाइट चलाई है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये बर्फ भी 12 वोल्ट का है जी। ये देखें जी, लिथियम का सेल जो नॉर्मली 3.7 से 4.2 वोल्ट का होता है, ये 3 के साथ 12 वोल्ट का कम्बिनेशन बना के ये 12 वोल्ट का बल्ब जो है इसने जो बनाया है, ये आप देखें, आप स्टैंड अलोन जो है इसको वॉशरूम में लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, और इसके साथ जो है इसी की चार्जिंग जो है BMS के साथ भी कर सकते हैं। वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त, आप लोगों ने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये वो क्लास है जो जोल्टियन टेक्नोलॉजी, जोल्टियन यूनिवर्सिटी में आप समझ लें शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट हमारे जो हीरो हैं, नेक्स्ट हमारे जो आने वाले टाइम में इस सारी आइडियालॉजी और टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे वो है नईम साहब। बड़ा ज़बरदस्त रहा नईम साहब, किस तरह आप समझते हैं कि जो हमारे इलाकों के बहुत सारे लोग हैं वो अपने बच्चे कैसे भेज सकते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या सारी सर्विस है, वो ज़रा डिटेल से बताएं। के लिए यहाँ पे हॉस्टल का अरेंज कर रहे हैं, उनकी लॉजिंग, बेडिंग, उनके फूड शूट सारा कुछ यहाँ पे होगा। अच्छा, हमारे पास 24 घंटे रहेंगे, पहले 6 माह में हम उनको इस काबिल कर देंगे कि वो खुद ब खुद अपना एक साइड पे बिजनेस भी शुरू कर देंगे और इस काबिल होंगे, सेल्फ सफिशिएंट जो है ना। अच्छा, इनकम भी जनरेट करेंगे और साथ साथ फिजिकली फिट होकर इस मुल्क के लिए भी अपना डॉलर जनरेट करेंगे। वेरी गुड जी, आज का बच्चा आपके घर से सुबह 4:15 बजे नहीं उठ सकता, और ये अगर बच्चे सुबह उठ के अगर अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू कर सकते तो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में किसने लेके चलना है? हमारा प्लान ये है कि कम से कम आप अपने घर से एक बच्चा जो है उसको कम से कम जो है मौका दे सकते हैं। और वैसे जो है अगर आपका बच्चा जो है 8 साल 9 साल 10 साल तो अगर है उसको जो है भेज सकते हैं, और ये बैरियर टाउन लाहौर में हमने किया है, और बाद में हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी सिटीज़ हैं कराची और इस्लामाबाद वगैरह में भी वहाँ भी कर देंगे, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर जो है टेक्नोलॉजी का और अत्ता के इलेक्ट्रिक बाइक का और बैटरी का सारे का सारा अभी लाहौर में। हम चाहते हैं यही बच्चे जो है अपने छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ है करके ये पूरी पूरी फैक्ट्री में जाएं और वहाँ पे देखें, ये देखते भी हैं। तो
ऑलमोस्ट जो है ये बैच काफी आगे चल चुका है। आप भी अपने बच्चे के लिए कम से कम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे हॉस्टल में रह के खाने का इंतजाम और इसी तरह से बाकी जितनी भी मेडिकल मेडिसिन की फैसिलिटीज हैं वो और सारे की सारी जो सर्विस है ये कैसे जो है आपका बच्चा लेके तो कम से कम सुबह 4:15 से उठ के रात तक सारी एक्टिविटी कैसे क्लोज कर सकता है जिसमें हिफज है, जिसमें जो है आपके बहुत सारे कह लें कि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं मैथ और बाकी चीजें, और इसी के साथ जो है मैट्रिक का जो है वो मामला भी कर लिया जाएगा। तो ये जो जोल्टियंस का क्लब आप और ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वो बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान को जो है एक लेके चलने वाला। बहरहाल अभी आप भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं सब आप जो नंबर देंगे उनसे रब्ता कर सकते हैं लोग सारे का सारा। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा चांस और इतना बड़ा मौका है कि वो बच्चे जो है कैसे पाकिस्तान को लेते हैं ये बच्चे जो है लेके चलेंगे। बहरहाल जी यानी बहुत शुक्रिया नहीं सब, इंशाल्लाह इसको इन सारे मैटर्स को लेके चलना है। हमारे साथ रहिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।